अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल वाटर के अंदर जब सॉल्ट ज़्यादा होता है तो कोई चीज़ नहीं डूबती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ जस्ट सुना है ये बात, ठीक है। अगर पानी के अंदर नमकियत ज़्यादा हो तो कोई भी चीज़ पानी के अंदर नहीं डूबता। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे हम। ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है, ये नॉर्मल पानी है। अब नॉर्मल पानी के अंदर मैं इस अंडे को डाल रहा हूँ, ठीक है। अंडा नॉर्मल पानी के अंदर चला गया, ठीक है, इजीली। अब स्पून डाल के इस अंडे को मैं निकाल रहा हूँ। अब इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे, मतलब नमक, ठीक है। इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक डालने के लिए 1 स्पून, ठीक है, 2 स्पून एंड बाकी थोड़ा, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे। यार, हमें भी प्रैक्टिकली पता तो चले कि नमक किसी चीज, मतलब वाटर के अंदर नमक ज़्यादा होने की सूरत में कोई चीज़ डूबता है या नहीं। चलो हम चेक करते हैं। अब इनको मिक्स कर रहा हूँ। को वाटर के अंदर बिल्कुल सॉल्व करता हूँ इनको। अब ये पानी के अंदर नमक बिल्कुल सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इस अंडे को इसके अंदर डालने के बाद मैं देखता हूँ कि यार अंडा इसके अंदर डूबता है या नहीं। इसके अंदर अंडा नहीं डूब रहा, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर है। जबकि नॉर्मल पानी के अंदर हमने अंडा डाला था, नॉर्मल पानी के अंदर अंडा डूब गया। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अंडा इसके बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं नॉर्मल पानी डालता हूँ, नॉर्मल वाटर डालता हूँ, ठीक है। मुझे अंडा बिल्कुल सेंटर में करना है, बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे, आसमान से गिरा खजूर पे लटका। अब इसके अंदर नॉर्मल पानी डालता हूँ मैं। अंडा बिल्कुल सेंटर में है, दोबारा से ऊपर आ गया। नहीं, सेंटर में है बिल्कुल अंडा। थोड़ा पानी और डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अंडा बिल्कुल सेंटर में है, सामने है, बिल्कुल सेंटर में है। मतलब इसमें जो है नमक डालने के बाद मैंने पानी डाला था, अंडा बिल्कुल सेंटर में आया, ना ऊपर ना नीचे। अंडे को बिल्कुल भी नीचे कर रहे हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।